कूड़ा फैलाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कूड़ा दिल खोल कर फैलाते हैं, बिल्कुल भी गंदगी से नहीं करते। हर दीवार पर थूकना हमारा कर्तव्य है और हर कोना हमारे लिए कूड़ेदान है। कूड़ेदान आज तू। हम सब इस देश को कूड़ेदान बनाने के लिए जुटे थे, जुटे हैं और जुटे रहेंगे। जुटे रहेंगे। आलू ले लो, कांदा ले लो, गोभी ले लो। अरे बहन जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, इसी सोच को तो हमें बदलनी है। इसी सोच के कारण हम अपने अंत की ओर बढ़े जा रहे हैं। आपको पता है भैया, प्लास्टिक इतना खतरनाक होता है कि अगर ये धरती के अंदर चला जाए तो बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकता। और प्लास्टिक न तो गलता है, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है, और तो और ये हमारी हवा को भी प्रदूषित करता है। एक बात और, जब भी हम कचरा इधर उधर फैलाते हैं और जब तक नगर पालिका वाले उसे लेके जाते हैं, उससे पहले ही हमारे जानवर उसे खा लेते हैं और यही प्लास्टिक हमारी गौ माता की मौत का कारण बनता है। छोड़ो प्लास्टिक की थैली, अब हम सब ने है ये ठानी, अपना लो कपड़े की थैली, चाहे नई हो या पुरानी। ये सोच रानी, ये सोच रानी। टकबक टकबक दादा भैया, प्लास्टिक को बोलो नाना भैया। हम सब की मानो कपड़े की थैली ले जाओ। इन पॉलिथीन बैग्स और रैपर्स ने हमारी धरती माता और उनके प्राणियों में इतना जहर फैला रखा है, जिसके कारण हर वर्ष लाख समुद्री जीव और लाख जमीनी प्राणी अपनी जान गंवा देते हैं। तो आइए हम इनका दर्द इन्हीं की जुबान से सुनते हैं। मैं हूँ गो माता, मेरे अंदर हर रोज अनजाने से कितना ही प्लास्टिक चला जाता है, क्योंकि आप लोग खाने के सामान को प्लास्टिक की थैलियों में फेंक दे रहे हो और मुझे तो बस खाने से मतलब है। खाने का खुशबू आते ही मैंने खा लिया, पर अब ये प्लास्टिक मेरे लिए मौत के कारण बन गई है। तो बच्चों, ये प्लास्टिक को वजह से होने वाली मौत को यही रोक दो। हाँ, मैं हूँ धरती माता, अब बंद भी करो इन प्लास्टिक का प्रयोग करना। इन प्लास्टिक से मेरा दम घुटता है, ये बारिश का पानी मुझ तक नहीं पहुँचने देते और ये मेरी प्यारी उपजाऊ जमीन को बंजर बनाते जा रहे हैं। ये प्लास्टिक एक राक्षस है जो तुम्हारी प्यारी धरती माता को रोज रोज सताते हैं और अब इस जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे पास का नहीं। हाँ हाँ, मैं हूँ पॉलीथिन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं, तो मैं तुम्हें अपना परिचय खुद ही करवा देता हूँ। एक तो मेरी उम्र बहुत लंबी है। कितनी लंबी? अरे इतनी लंबी कि तुम सबकी पांच छह पुश्तें बीत जाएंगी। और अगर मुझे जलाकर नष्ट करना चाहोगे तो मैं जलकर हवा में जहर बन जाऊंगा, फिर तुम सबको अस्थमा जैसी बीमारी देकर दम घोट घोट कर मार दूंगा। तो देखा आप सबने कैसे ये प्लास्टिक इंसानों ही नहीं जानवरों की खुशियों को छीन लेता है। क्या आप जानते हैं, पिछले एक साल में लगभग 46 लाख लोगों की मौत इसी प्लास्टिक द्वारा दूषित की गई हवा से गई, जिनमें 17 लाख लोग तो भारतीय थे। ये सब हमारी लापरवाहियों का ही नतीजा है, क्योंकि हम सब लोग प्लास्टिक को कूड़े कचरे के साथ जला देते हैं। इसीलिए अब हमें जागरूक होना ही पड़ेगा और प्लास्टिक के खिलाफ इस मुहिम में अपने कदम उठाने ही पड़ेंगे। अगर हमें अपने देश को स्वच्छ और खुशहाल बनाना है तो उसके लिए हमें अपने देश
उसके लिए हम सभी को अभी से स्वच्छता अभियान से भी जुड़ना होगा। दूसरा अध्याय जल संरक्षण। हमारी नदियाँ जो इतने समय से बहती आ रही हैं, अब सूख रही हैं और मैली हो रही हैं। सच है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर कुछ भी नहीं करते। अपनी कॉलोनी में देखें, थोड़ा बाहर जाके देखें, ढूंगी में रहने वाले लोगों को देखें, वो कैसे एक एक बाल्टी पानी के लिए मोहताज होते हैं। अगर पानी ऐसे ही बहती रहे तो अब वो दिन दूर रहे, हमारी हालत भी ऐसी ही होगी। लेकिन मैं भी तो यही कह रही हूँ, वैसे भी हमारे पास इतना कम पानी बचा है, कम से कम जितना बचा है उसे संभाल ले। क्या ये सब होना जरूरी है? क्या हम अपने लिए, अपनी इस दुनिया के लिए कुछ नहीं करेंगे? ये आपके हाथों में है, आपको सोचना पड़ेगा। अपना भविष्य आप खुद ही बदल सकते हैं। अगर भारत के हर एक नलके से एक भी बूंद पानी टपकता है तो 32 लाख लीटर पानी बर्बाद होता है, और यहाँ हर टैंक से नदियाँ बहती हैं। और इसी रुके हुए पानी से न जाने कितनी जानलेवा बीमारियाँ होती हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के आधे मरीज इन्हीं बीमारियों के शिकार होते हैं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के एक तिहाई लोगों के पास तो शौच के लिए पानी ही नहीं है। दूसरों की छोड़िए, अपनी सोचिए। रिसर्च कहती है अगर ऐसे ही पानी बर्बाद होता रहा तो 15 साल में ऐसा कोई भी परिवार, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नहीं रहेगा जो 1.5 बाल्टी पानी से ज्यादा खर्च कर सके। इसे रोकना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम नहीं रोकेंगे तो आखिरकार इसे रोकेगा कौन? हम सब चाहते हैं हमारी नदियाँ तल तक बहती रहे, हमारे पेड़ फलते रहे और खेत खिलते रहे। इस सबको पाने के लिए हम सबको साथ काम करना होगा। यदि आप थोड़ा सा भी हाथ बटाएंगे तो ये मंजिल दूर नहीं। तो क्या आज हमें निर्णय लेना ही होगा कि क्या हम अपने भविष्य को इसी बहते हुए पानी की तरह अपने हाथ से फिसलने देंगे? So do your way, save water now. तीसरा अध्याय खुले में शौच। सुनो रे भैया। हाँ हाँ, तुम और तुम भी काहे खड़े हो बैठो? ध्यान से सुनो हमारी बात, फिर ना कहना कि कहा नहीं। अब जो तुम्हें बताएंगे क्या वो तुमको पता नहीं? सफाई है आधा ईमान। जहाँ स्वच्छता वहाँ भगवान। साफ हो वातावरण, साफ हो घर, कचरा ना फेंको बाहर। खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से धो लो दोनों हाथ। खुले में कभी भी ना शौच करो। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो और मौज करो। है कि घर में शौचालय बनवा लो, पर तुमको वो समझ में नहीं आता।
खुले में शौच करने से न जाने कौन कौन बीमारी फैलाता है, दस्त है, जादू है, और तो और आजकल लड़के के कद भी छोटा रह जाता है। अगर हम सबका अपने गांव का बीमारी से दूर करना है तो हम सबका भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ेगा पड़ी। हाय राम सपना जी, क्या बात कर रहे हैं, जहाँ खाना वहीं पे खाना। हाँ, क्योंकि सुरक्षित नहीं है खुले में शौच करने जाना। औरतें शौच के लिए बाहर जाएं, सुरक्षा को खतरा है। गंदगी से बच्चे बीमार हो जाएं, स्वास्थ्य को खतरा है। डॉक्टर और दवाइयों में पैसा बहाए, आमदनी को खतरा है। और फिर भी ना कोई ठोस कदम उठाए, सारे देश को खतरा है। हम अपने देश को बीमार नहीं होने देंगे, हम अपने देश को गंदा की बार नहीं होने देंगे, हम अपने देश को बीमार नहीं होने देंगे। स्वच्छ बनेगा भारत, तभी तो स्वच्छ बनेगा भारत। स्वच्छ भारत।